कारवांसराय में आर्ज़ी क़याम करने वाले तमाम मुसाफिरों को मेरा सलाम, और उन ऊँटों को भी और घोड़ों को भी मेरा बहुत बहुत प्यार, जो अब आराम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी वजह से आप पता नहीं कहाँ से आए हैं और कहाँ आपने जाना है, और सिल्क रोड पे जाना है, और गालिबन अर्ज़ रोम से आए हैं या वेनिस से आए हैं और जा शियान रहे हैं। तो इन सब को मेरा सलाम और प्यार। ख़्वातीन हज़रात, ज़हीर देलवी नाम के एक गैर मारूफ शायर हैं, उनका एक शेर मुझे बहुत पसंद है। कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जिन्हों के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। ये जो जिन्हों के आसार हैं ना, ये जितने भी तख्लीकी लोग होते हैं, मुसव्विर होते हैं, अदीब होते हैं, मौसीकार होते हैं, उनमें ये जिन्हों के आसार पाए जाते हैं। नॉर्मल लोग नहीं होते। जो कोई लिखते हैं वो भी अब नॉर्मल होता है, मतलब आम रवश से हटके होता है, और ख़ुद उनकी ज़ात में भी अब नॉर्मेलिटी पाई जाती है। इसीलिए लोग उन्हें दीवाना समझते हैं, लेकिन वो दीवाने होते नहीं। उस दीवानगी में वो शाकार तख्लीक करते हैं। तो ये जो जुनून आसार का सिलसिला है, आपको याद होगा कि पिछली मरतबा मैंने माइकल एंजलो का तذکرہ किया था कि किस तरह 12-13 साल की उम्र में उसको जुनून था कि मुझे इल्मुल बदन हासिल करना चाहिए। एक इंसान के अंदर कौन सी रगें हैं, कहाँ कहाँ पे वाक़ हैं, उसकी फसलियाँ कहाँ हैं वहाँ, तो ये सब कुछ सीखने के लिए और तरीका कोई नहीं था। तो वहाँ पे फ्लोरेंस में जो एक मुर्दा खाना था, जहाँ पे फ़कीरों की या लावारस लाशें लाई जाती थी, मौसू वहाँ चले जाते थे, छुरी से उसको काट को 12 साल का बच्चा, वो अंदर से उसको चेकअप वगैरह करते रहते थे। तो एक रात ज़रा देर से गए, खून लगा हुआ था कपड़ों पर, तो वाले साहब ने खूब ज़दोकोब किया। उनका ख्याल था कि बरखुरदार किसी को मर्डर करके आ गया। तो यही माइकल एंजलो जब जवान होता है और मुजस्मा साज होता है, तो उसने रोम का रुख किया फ्लोरेंस से। जैसे इन दिनों या पहले दिनों जो गुजर चुके हैं, जिसने भी अपने आप को शायरी, अदब, मुसवरी वगैरह में मनवाना होता था, तो लाहौर का रुख करता था, क्योंकि लाहौर के पास वो मोहर थी जो ऑथेंटिकेट कर देती थी कि आप शायर हैं, आप अदीब हैं, आप मुसव्विर हैं। इसी तरह उन दिनों रोम था, लोग रोम जाते थे। माइकल एंजलो ने एक मुजस्मा बनाया था 5-6 माह की मुशक्क़त के बाद, और उसका नाम था पायता। कराकर हैं ख़ास माउंटेन्स, वहाँ का वो जो संगे मर है उसके साथ उसने तख्लीक किया। बीबी मरियम बैठी हुई हैं और उनकी गोद में उनके अकीदे के मुताबिक मसलूब होने के बाद हज़रत ईसा जो हैं उनकी गोद में है, जिस तरह एक बच्चा उठाया होता है और सोगवार है। और यहाँ माइकल एंजलो का जो इल्मुल बदन है वो कमाल का है, यानी जो हज़रत ईसा की रगें हैं वो ढीली पड़ी हुई हैं, हाथ लटके हुए हैं, और यहाँ तक कि जो चेहरा है, हालांकि संगे मरमर का बना हुआ है, उसमें एक जर्दी का शायबा है। तो माइकल एंजलो ने ये मुजस्मा सेंट पीटर्स के हाल में रख दिया, क्योंकि वहाँ रिवाज था कि जो नए लोग आते थे वो अपनी तख्लीकात सेंट पीटर्स के हाल में सजाते थे, और जो लोग परख रखते थे वो आते थे, उनके बारे में कमेंट करते थे कि ये कैसे हैं। तो माइकल एंजलो ने अपना मुजस्मा पायता वहाँ रखा और एक स्तून के पीछे खड़ा हो गया छुप के। तो उसने महसूस किया कि जो भी लोग आते हैं उसकी तारीफ़ बहुत करते हैं, लेकिन किसी और मुजस्मा साज का नाम ले देते हैं, और उसमें राफेल का भी नाम आता है। राफेल कोट पेंटर था, बड़ा मशहूर था। तो ये पेचोताब खाता रहा कि चीज़ मेरी है और दूसरों के नाम लगाई जा रही है। चुनांचे रात को जब लोग चले गए, हाल खाली हो गया, तो स्तून के ओट से निकला और तेछे और हथौड़ी की मदद से बीबी मरियम का जो लिबादा था बहुत खूबसूरत, उसके ऊपर एक पट्टी बनाई यूं करके, और उसके ऊपर खोद दिया माइकल एंजलो बनाराटी ऑफ फ्लोरेंस मेड दिस स्कल्पचर। यूं उसने एक अपनी ही कामलियत को मजरू कर दिया। इसको कहते हैं जुनू आसार। अब आ जाते हैं मुकामी जो जुनू आसार लोग हैं, और उनमें एक मेरे दोस्त वही चुपताई, थोड़ा सा उसका मैं बैकग्राउंड बताया देता हूँ
जब पहली किताब मेरी छपने को थी निकले तेरी तलाश में, तो बहुत ख्वाहिश थी कि अब्दुलरहमान चुगताई उसका टाइटल बनाए। मेरी वाकफियत नहीं थी, मकबूल जहांगीर उन्हें जानते थे। मकबूल वाज ए ग्रेट पर्सन, मेरे बहुत अजीज दोस्त थे, और शिकारियात के बारे में आज तक उनकी किताबें पढ़ी जाती हैं। और हराम है कभी उन्होंने बंदूक उठा के देखी हो कि इसका वजन कितना है, लेकिन कमाल की ज़ुबान लिखते थे। तो वो कहने लगे तार साहब हो जाएगा, मैंने कहा मैं आपके साथ चलूँ, कहने लगे नहीं चुगताई साहब बहुत कम मिलते हैं लोगों से। तो बाहर सार मकबूल गए और उनको कुछ दास्तानें मेरे हवाले से सुनाई, तो उन्होंने टाइटल बना दिया। और मेरा ख्याल है ये एक ही तस्वीर है जो उन्होंने बनाई, स्केच था, जिसमें उन्होंने मॉडर्न लड़की बनाई उस ज़माने के हिसाब से, बेल बॉटम पहने हुए हैं, फूलदार फ्राक है, ऊपर हैट वगैरह पहना हुआ है। और उनका वतीरा ये था कि उस ड्राइंग के 8-10 मुख्तलिफ कलरों में उसको छापा जाए, फिर मुझे दिखाया जाए। तो वो 8-10 कलर उसके छपे, उनमें से एक उन्होंने पसंद किया कि ये छापा जाए। चुगताई साहब के बारे में नियाज़ अहमद संगे मील वाले वो कहा करते थे कि चुगताई साहब को ये गुलाब जामुन बहुत पसंद थे, और नियाज साहब गुलाब जामुन को हमेशा गुलाब जामुन कहते थे, उससे लुत्फ ज़्यादा आता शायद। तो कहते हैं कि दिल्ली दरवाजे के अंदर कोई हलवाई थे, बहुत अच्छे गुलाब जामुन बनाते, चुगताई साहब वहाँ जाते थे, पहले वहाँ खाते थे, उसके बाद एक दोने में वो पत्ते का होता उसमें डाल के खाते हुए अपने स्टूडियो को आते थे। अपने स्टूडियो में किसी को दाखिल होने की इजाज़त नहीं देते थे। मैं कई मरतबा गुजरा वहाँ से, रावी रोड के करीब रहते थे, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। चुगताई साहब के एक भाई थे छोटे, रहीम चुगताई, वो भी पेंट करते थे, और नियाज साहब से वो ब्रश मंगाते थे जापान से, और अपने बड़े भाई की तरह ही मुगल आर्ट पेंट करते थे, ड्राइंग्स बनाते थे, और नीचे चुगताई ही लिखते थे क्योंकि वो चुगताई ही थे। उनकी तदफीन जो है वो चुगताई म्यूज़ियम फिरोजपुर रोड में हुई। उनके एक बेटे थे और हैं वही चुगताई जो मेरे दोस्त हैं। वही चुगताई को अब्दुलरहमान चुगताई ने अपना शागिर्द किया, उनका भतीजा भी था, और वो वाहिद शख्स है जिनको बड़े चुगताई साहब ने आर्ट सिखाया। और उनकी और भी कुछ ख्वाहिशें थी बड़े चुगताई साहब के, वो पूरी ना हुई बावजूद, तो वही चला गया लंदन। 1969 में मेरी मुलाकात वहीद से हुई, और उसने मुझे अपना कुछ काम दिखाया, और वो कमाल का काम था। अरे कुक भी बड़ा अच्छा था, ये तमाम चुगताई जो है खाने पीने में बहुत कमाल रखते हैं, खुद पकाते। चुनाचे मैंने उसे कहा कि यार यहाँ पे क्या कर रहे हो, कई मरतबा वो नेशनल आर्ट गैलरी या क्या है स्टेट गैलरी, वहाँ जाके बाहर अपनी तस्वीरें सजा के बैठ जाता फुटपाथ पे, एक दो तस्वीरें बिक जाती थी। मैंने कहा तुम इतने बड़े आर्टिस्ट हो, पाकिस्तान आ जाओ। मैं नहीं जानता कि मेरी वजह से या कोई और हालात ऐसे हुए कि वो पाकिस्तान आया, यहाँ उसने अपनी पहली नुमाइश की, और वो इतनी कामयाब थी कि वो सारी की सारी तस्वीरें फरोख्त हो गई। उनमें एक तस्वीर थी हीर रांझा की, तो मैंने उसको सजेस्ट किया, मैंने कहा कि हीर रांझा को जिस तरह गालिब को किया गया है और बड़े शायरों को किया गया है, हीर रांझा को आज तक किसी ने एज सच मुसव्वर नहीं किया कंप्लीट। वैसे तो उस्ताद अला बख्श ने भी बनाया, चुगताई साहब बड़े ने भी बनाया। तो कहने का मैंने पढ़ी नहीं है, मैंने कहा मैं सब्जेक्ट तुम्हें निकाल, तो मैंने 20 सब्जेक्ट्स उसमें से निकाले, उनकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये हुआ कि पब्लिशर के साथ वहीद की कोई बात बन ना सकी, क्योंकि चुगताई थोड़े से वहमी सीक्रेटिव भी हैं। तो चुगताई वापस चले गए, क्योंकि शादी हो गई, वापस लंदन चले गए। अभी वही हैं, बुढ़ापे के दिन काट रहे हैं, लेकिन मुझे एक फ़ख्र हासिल है कि मेरी पहली किताब निकले तेरी तलाश में का टाइटल अब्दुलरहमान चुगताई ने बनाया, और उसी किताब के 10वें या 12वें एडिशन का टाइटल जो था उनके भतीजे और शागिर्द वही चुगताई ने बनाया। कैनवस अभी अधूरा है, कुछ रंग लगाने बाकी। तो आइए रंग आ गए हैं, तस्वीर मुकम्मल करते हैं। माइकल एंजलो की जुनू आसारी का एक और किस्सा है, लेकिन उससे पेशतर मैं हवाला दूंगा शफीकुर रहमान के लाजवाल सफ़रनामे बरसाती का, कि रोम में टूरिस्ट की एक बस जो होती है वो एक चर्च के बाहर खड़ी होती, और वो गाइड इंस्ट्रक्ट कर रहा है जो लोगों को बता रहा है,
तो एक बूढ़ा अमेरिकन है, तो वो कहता है अब आप हमें कहाँ लेके जाएंगे? तो वो कहते हैं कि यहाँ माइकल एंजलो का बना हुआ मुजस्मा मूसा इस चर्च में है। तो वो बूढ़ा अमरीकी 100-150 सीढ़ियों को देखता है और कहता है कि मेरा ख्याल है कि आज मेरा मूसा के बगैर ही गुजारा हो जाएगा। लेकिन मेरा गुजारा नहीं हो सकता था, मैंने वो 100-150 सीढ़ियाँ तय की और माइकल एंजलो का ये शाकार मूसा देखा। उसकी जुनू आसारी का एक किस्सा उसी के हवाले से कि एक मैं बात अर्ज कर दूं कि जब लोग मुजस्मे बनाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस या बाकी मट्टी वगैरह से नहीं बल्कि तराशते हैं पत्थर से, तो बारीक सी धूल उठती है उसमें से और वो आंखों में जाती है, वो आंखों के लिए बड़ी मुज़र होती है। चुनांचे बेशतर मुजस्मा साज जो होते हैं उनकी नज़र बहुत कमज़ोर हो जाती है आखिर में। अगर हम अपने मशरक़ की तरफ आएँ तो यहाँ पर जो मास्टर थे मिनेचर के, यानी एक एक बाल के साथ उन्होंने सारी उम्र वो छोटी छोटी मुसवरी की, वो कहा जाता है कि आखिरी उम्र में अंधे हो जाते थे और उनको मुआशरा बहुत इज्जत देता था कि ये वो शख्स है कि जिसने क्रिएटिविटी के लिए अपनी आंखें कुर्बान कर दी। ये पामुक की किताब है माई नेम इज़ रेड, अभी मैं उसका तज़करा करूँगा, उसमें भी ये किस्सा दर्ज। चुनांचे आधी रात के वक्त वो मुजस्मा मुकम्मल हुआ और वो जुनून की हालत में ही थे माइकल एंजलो, तो उसको कहते हैं मुखातिब होके कहते हैं तू मुकम्मल मूसा है तू बोलता क्यों नहीं? वो तो पत्थर था उसने कहाँ बोलना था। मसूब तैश में आ गए, दोबारा कहा बोलते क्यों नहीं? नहीं बोला। तेशा लिया और उसके घुटने पर ज़रब लगाई ज़ोर से, कहते बोलो। अच्छा उसने क्या बोलना था, लेकिन हुआ ये कि वही परफेक्ट कामलियत वाला जो मुजस्मा था वो मजरूह हो गया। और मैंने बाकायदा जब मैं रोम गया हूँ हज़रत मूसा का वो मुजस्मा देखा है, तो मैंने नोट किया कि वहाँ पे वो एक चिप जो है वो वहाँ पे नहीं है जहाँ पे उसने तेशा मारा था। हमारे एक और दोस्त अस्क्रीमिया ईरानी मेरे क्लास फेलो थे मुसलमान स्कूल में, मेरे साथ पढ़ते थे, तब उनमें कोई जुनू के आसार भी नहीं थे, मुसवरी के भी नहीं थे और हमें भी को अदब के या टीवी के वगैरह के आसार नहीं थे, बस नौजवान लड़के थे 8वीं 9वीं में पढ़ते थे और कुछ देन में नहीं था कि कल क्या होगा, बेखबरी थी। बाद में अस्क्रीमिया ईरानी उसने एमसीए से तालीम हासिल की, वहाँ लेक्चरर भी रहा और वो उसकी जो खसूसियत थी वो और किसी पाकिस्तानी मुसवर में नहीं थी। उसके पास कुछ पुराने मखतूते थे, उनके वालिद साहब हिकमत करते थे, बीडन रोड पे रहते थे, हमारे हमसाये थे, उनके पास को 150-200 साल पुराने मखतूते और तावीज़ थे। तो अस्करी ने उनको पैटर्न बनाया और उसकी तस्वीरों में खत्ताती भी होगी बड़ी बारीक, और वो पुराने नुस्खों का जो कदामत होती है ना, तो ब्राउन रंग में वो पेंट करता था। मेरे पास उसका एक नुस्खा कह लीजिए मौजूद था जो मेरी बेटी ले गई, उसके अलावा मेरे पास और उसकी कोई चीज़ नहीं है। इस प्रोग्राम की तैयारी से पहले मैंने उनकी बेगम से रابطہ किया क्योंकि ही डाइड वेरी यंग, तो उन्होंने वादा किया है कि मैं घर में कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं उनकी और मैं उनकी तस्वीर वो भेज दूँगी सेलफोन पर, लेट्स सी कि उनको याद रहता है या नहीं रहता। तो एक बात अस्करी के बारे में, उसको ज्यूलर कहा जाता है, यानी जिस तरह सुनियार जो है बहुत बारीकी से नगीने जड़ता है, इस तरह वो खत्ताती के और मुख्तलिफ शबीहों के घोड़े भी बड़े अच्छे बनाते थे, वो जड़ते चले जाते थे। और उनका मुवाजना किया जा सकता है ऑस्ट्रिया के किल्म थे, उनको भी ज्यूलर कहा जाता। चुनाचे अस्करीमिया ईरानी बहुत कम काम किया लेकिन बहुत बड़ा काम किया और जल्दी चले गए। क्या आप जानते हैं कि कुदरत के रंगों में सबसे कम रंग कौन सा इस्तेमाल हुआ? बाद में बताऊं। ब्लू नीला, ये मुझे सादकान ने बताया। मेरे बहुत ही अजीज तरीन दोस्त देरीना नज़ीर अहमद, मैं इकरार करना चाहता हूँ कि दीगर मुसवरी के जो शोबे हैं पोर्ट्रेट और बाकी चीज़ें उनके बारे में कुछ ना कुछ जानता था, लेकिन लैंडस्केप के जो रमूज हैं उनसे मुझे
आशना किया नज़ीर अहमद ने कि ये देखें कि पानी की क्या कैफियत, और ये देखें कि ये पानी बहाव में है, ये ठहरा हुआ है, और ये खेत किस तरह के हैं। तो ये सब जो आ गई थी वो मैंने नज़ीर से हासिल की। नज़ीर ख़ुद एक बहुत ज़बरदस्त लैंडस्केप पेंटर और बड़ा अरसा स्मॉल इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट है वहाँ पे, खासे बड़े अफसर रहे, लेकिन अफसरी नहीं की, वहाँ भी मुसव्वरी की, और उसके अलावा 8-10 किताबें पाकिस्तान के जो ऐसे शहर हैं जहाँ हमारे माहिर कारीगर हैं हैंडीक्राफ्ट्स के, उनके ऊपर शाया की, और मेरे ख्याल बहुत यूनिक किताबें हैं, 8-10 हैं, और उनमें भी जो स्केचेस हैं वो नज़ीर अहमद ने बनाए। नज़ीर अहमद की एक है खामी, और वो ये है कि डोगर हैं, डोगर कम ही इस तरफ आते हैं, एक रफीक डोगर थे हमारे दोस्त और एक नज़ीर है, तो कदरे अक्खड़ है। आप जानिए कि पाकिस्तान में ये नहीं है कि कुछ ख़ास शोबों में माफियाज हैं, बल्कि यहाँ अदब में भी माफियाज हैं और मुसव्वरी में भी है। तो वो मुसव्वरी का जो माफिया है वो नज़ीर अहमद को करीब इसलिए नहीं आने देता कि नज़ीर साहब को परवाह ही नहीं है, वो कहते कि ना तो ना सही, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। चुनांचे उनकी वो शोहरत नहीं है जो वो डिज़र्व करते हैं, लेकिन इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि आइंदा ज़माने में जो परख होनी है वो तस्वीरों से होनी है। मसलन जैसा कि मैं कहता हूँ कि मुसव्वर किसी भी लैंडस्केप को, तारीख को भी वो महफूज कर लेते हैं। नज़ीर ने जब रावी रावी हुआ करता था तब उसकी बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई, और जिस तरह वो हाकड़ा वगैरह जो थे वो खुश्क हो गए, इसी तरह मुझे खदशा है कि कभी ना कभी तकरीबन खुश्क है रावी, लेकिन नज़ीर अहमद की तस्वीरों में वो रावी हमेशा बहता रहेगा, वो रेफरेंस मौजूद रहेगा। और पानी पेंट करने का उसके पास कोई मौजज़ा है, यानी जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि आप उसकी फ़्लो को महसूस कर सकते हैं। उसके बाद मतलब लाहौर की मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने लैंडस्केप्स बनाई, बाहर खड़े रहते हैं सारा सारा धूप में, बुखलाए हुए भी रहते हैं, न सिर्फ डोगर होने की वजह से बल्कि वो जुनू आसारी की वजह से भी। नज़ीर अहमद न सिर्फ मुसव्विर हैं बल्कि कमाल के नसर निगार हैं, मैं उनके नसर से बहुत मुतासर होता हूँ, और शायरी का भी बहुत ही उम्दा ज़ौक उनमें पाया जाता है। उन्होंने अपने मुख्तलिफ उस्तादों के हवाले से खाके लिखे हैं जो एक रेफरेंस की हैसियत रखते हैं, उनमें ज़हूरुल अख़लाक भी हैं, सईद अख्तर भी है, खालिद इकबाल हैं, शाकर अली हैं। ये खाके आप पढ़ें तो आपको इल्म होगा कि भाई एक मुसव्विर जो है वो बड़ा एक नसर निगार भी हो सकता है। और सईद अख्तर के बारे में उन्होंने पूरी किताब लिखी है, तो मैं अगले रोज़ उसको कह रहा था कि देखो दूसरों के बारे में लिखते रहते हो, को अपना भी ध्यान करो, लेकिन उसको अपना कोई ध्यान नहीं है। माशाल्लाह बारिश मज़ारों वगैरह पे अक्सर जाता है, बहुत नूरानी शक्ल की है, लेकिन बहुत ही धीमा मेरे सामने कम अज़ कम, और बरखुरदार किस्म का मुसव्विर है। पिछले दिनों उसके बेटे की शायद पोस्टिंग हुई, तो उसने कोहिस्तान नमक के कुछ बनाए स्केचेस। ये पूरा इलाका किसी और मुसव्विर ने स्केच नहीं किया, और इसमें हमारे वो मंदिर भी हैं और उसमें चट्टाने भी हैं, बल्कि अलबैरूनी ने जहाँ पे ज़मीन का कुतर नापा नंदना किला, वहाँ के भी स्केचेस भी हैं, पेंटिंग्स भी हैं। गोया अगेन नज़ीर जो है पाकिस्तान की तारीख को महफूज कर रहे हैं। मेरी राय में, और ये राय इतनी कोई वो ये कहते हैं नाकस भी नहीं है, कि मौजूदा लम्हे में पाकिस्तान में सबसे बड़ा लैंडस्केप पेंटर जो है वो नज़ीर अहमद। जुनूम आसारी के हवाले से मेरा फेवरेट पेंटर है फान खोख, वान गोग भी पढ़ा जाता है, कुछ भी कह लें, डच पेंटर, दुनिया के बड़े पेंटर्स में से एक। तो मौसूफ की बहुत दोस्ती थी गोगैन, वो पेंटर था एक और बड़ा मशहूर, उसके साथ थी। एक रोज़ झगड़ा हो गया, तो उस झगड़े के बाद पता नहीं उस पर क्या आई फन खोक पे, कि उसने अपना कान काट लिया। कान काट के उसको पेपर में लपेट के, खातून वहाँ रहती थी कोई
अच्छी किरदार की हामिल नहीं थी, उनकी खिदमत में पेश किया कि ये आपके लिए तोहफा है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं जब खातून ने उनका ख्याल होगा कि देवर है मोती है, उसमें से फनखोख का कान निकला। अच्छा, आखिरी उम्र में बाकायदा पागल हो गए थे लेकिन मुसव्वरी करते रहते। दुनिया की बड़ी पेंटिंग्स में से एक है स्टारी नाइट, आप उसे देखें, उसमें बड़े बड़े स्टार्स हैं और मतलब एक एक शब है, और मैं बयान नहीं कर सकता कि उसका इम्पैक्ट आपके क्या होता है। और ये स्टारी नाइट एक ही बड़ी पेंटिंग है जो म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट यानी मोमा न्यूयॉर्क में आवेज़ हैं। बाकी बेशतर पेंटिंग जो हैं वो हैं अपना दूसरे म्यूज़ियम्स में, मेट्रोपॉलिटन में। बल्कि मेट्रोपॉलिटन में अक्सर लोग पूछते हैं कि किसी गाइड से कभी स्टारी नाइट कहाँ है, और वो बड़ी नागवारी से कहते हैं वो मोमा में है। स्टारी नाइट में जो स्टार्स हैं वो जुनू आसारी में ही इतने बड़े लगते हैं। उससे पूछा गया तो उसने कहा मुझे ऐसे ही दिखाई दी। और उसमें एक और ख़ूबी ये है कि आप उसके अंदर सफ़र कर सकते हैं। अच्छा, अभी हाल ही में मैं हॉलैंड गया तो वहाँ पे फनखोख म्यूज़ियम पहले भी देख चुका था, लेकिन जिस तरह मैं अर्ज़ करता हूँ अक्सर कि एक इंसान को हर म्यूज़ियम, हर बड़ी किताब, हर बड़ी कंपोजिशन 5-7 साल के बाद दोबारा देखनी चाहिए, क्योंकि जूँ जूँ आपकी उम्र बढ़ती है तजर्बा बढ़ता है, आपकी वो जो हिस होती है अप्रिशिएट करने की, जानने की, वो भी बढ़ती जाती है। और जो चीज़ें आपने पहले नोट नहीं की वो बाद में उनकी असरअंदाजी होती है। मुझे वैसे ही याद आ रहा है कि वॉर एंड पीस पढ़ा टॉल्स्टॉय का, उसमें एक चैप्टर है कि प्रिंस एंड्रयू का बाप जो है वो बीमार है, उसकी तीमारदारी करता है और वो फौत हो जाता है। बहुत अरसे के बाद जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ और बाद में मैंने वॉर एंड पीस पढ़ी, सो तब मुझ पर खुला कि वो चैप्टर कितना बड़ा है, क्योंकि जब तक आप पर कोई तजर्बा वारिस नहीं होता आप मुंतबिक नहीं कर सकते बड़े अदब के साथ, बड़ी मुसव्वरी के साथ और बड़ी मौसीकी के साथ। चुनांचे वो म्यूज़ियम में पहले देख चुका था लेकिन दोबारा गए तो उसमें कुछ नई चीज़ें भी थी। फनखोख जो था वो ईस्टर्न मुसव्वरी से बहुत ज़्यादा मुतासर था, उसने जैपनी स्टाइल में भी तस्वीरें बनाई। और वहाँ पे जो इंटरेस्टिंग बात थी कि उस डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी आवेदन था ओरिजिनल, जिसने उसका कान की मरहम पट्टी की थी, कान की शक्ल बना के उसके ऊपर मतलब पट्टी बांध के, फिर भी मौसूफ ने अपनी एक पोर्ट्रेट में वही बनाया कि पट्टी बंधी हुई है अपनी पोर्ट्रेट बना रहे। अपनी पोर्ट्रेट इसने बहुत ज़्यादा बनाई सिर्फ इसलिए कि मॉडल के पैसे नहीं होते थे। आईने के सामने बैठे और देखें कि कितना बारीक काम होता है कि आईने के सामने बैठकर अपने आप को पेंट करना। अच्छा, दूसरी जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि वहाँ पे एक बॉक्स पड़ा हुआ था, मेरी अलिया मैमूना भी मेरे साथ थी, वो बड़े शौक से वो बॉक्स देखा, उसमें ऊन के गोले पड़े हुए थे मुख्तलिफ रंगों में। तो एक गाइड से पूछा कि जी ये फनखोख साहब ये ऊन के गोलों को क्या करते थे, कहने कि जी ये हमें मालूम नहीं लेकिन है उनके, तो गालिबन निटिंग करते थे। तो मेरी बेगम भी निटिंग की बहुत शौकीन है, तो कहने की देखा ये जो बड़े लोग होते हैं ये निटिंग करते हैं। मैंने कहा मैंने ये भी देखा है कि जो पागल लोग हैं वो भी निटिंग करते हैं। पता नहीं बेगम क्यों खफा हो गई। मेरा रंग दे बसंती चोला, आप जानते हैं बसंती रंग कौन सा होता? बसंती जाहिर है बसंत रंग, जर्द रंग। बहुत अरसा पहले की बात है, लक्ष्मी मेंशन में रहा करता था तो ज़रा फ्लैट तंग था, तो हर इतवार को बाल बच्चों को अपने सुरख होंडा पे बिठा के 175 वो सब उस वक्त छोटे थे तो आ जाते, तो हम लोग लाहौर की नहर किनारे कहीं चले जाते थे पिकनिक मनाने। तो एक रोज़ हमने देखा कि वो नोट किया कि नहर से एक सुआ छोटा सा नाला निकलता है, तो हम उसके किनारे चले गए ताकि वो ओपन फील्ड्स हों, वहाँ बैठ के हम पिकनिक करें। और वहाँ क्या देखते हैं कि उस सुआ जो था वो जो नाला था कीकर के चंद दरख्त थे और वीराना था, इन दिनों इकबाल टाउन वहाँ तक पहुँच चुका है। वहाँ पे एक साहब हैं बड़ी बड़ी मूँछों वाले और वो ईज़ल सामने रखे पेंट कर रहे हैं। तो मेरे छोटे बेटे ने जाके उनसे कुछ गुफ्तगू की और उन्होंने उनसे बातें की, मैंने बात नहीं की। लेकिन बाद में, बहुत बाद में खुला कि पाकिस्तान में लैंडस्केप के सबसे बड़े मास्टर खालिद इकबाल थे।
खालिद इकबाल से मुझे नज़ीर ने ही मिलाया और उसके बाद मार्टन में रहते थे, शादी उम्र भर नहीं की, अफवाह थी कि जहाँ करना चाहते थे वहाँ मुमकिन ना हुई तो उन्होंने कहा हम शादी नहीं करेंगे, और शायद ये बेहतर हुआ कि उनके पास काम करने का ज़्यादा मौका उनको मिल गया। तो मैं अक्सर उनके पास जाया करता था और मैं आई वॉज़ फैसिनेटेड बाई हिज लैंडस्केप्स, उनमें कोई ख़ास जादू था। और ये जितने बड़े लैंडस्केप पेंटर हैं बाद में आए हैं वो सब के सब खालिद साहब के शागिर्दों में से हैं, उनके तत्वों में हैं, उनकी कॉपी करते हैं। ज़ुल्कर नैन मैंने बताया था, बहुत ही खूबसूरत नज़ीर भी उनका शागिर्द है। तो बड़े धीमे मिजाज के थे और मेरे साथ उनकी दोस्ती कह लें या कुर्बत कह लें, उसकी एक वजह पाकिस्तानी शुमाल भी था। वो बहुत इंटरेस्टेड थे शुमाल में और जवानी में बाकायदा ट्रैकिंग के लिए जाया करते थे। बाद में प्रोफेसर एमरेटस भी रहे एनसीए के, तो वो मेरी किताबें बड़े शौक से शुमाल की वो पढ़ते थे। तो तब भी आउटडोर का इतना चस्का था कि मोटरसाइकिल रखा हुआ बुढ़ापे में, पीछे कैनवस बांधा है और पेंट वगैरह, और कहीं निकल गए हैं तो मैं कहता कि सर आप कार पे क्यों नहीं चले जाते, कहेंगे कार अब इतना ज़्यादा झमघटा हो गया है कि कार उन जगहों पे जाती नहीं जहाँ मैं जाना चाहता हूँ, मोटरसाइकिल छोटी पगडंडियों पे भी चला जाता है। चुनाचे जब तक उनमें हिम्मत रही वो बाहर जाके पेंट करते रहे, और जो उनकी मास्टरी थी उसकी मैं क्या दाद दे सकता हूँ। बस यूँ समझिए कि भाई वर्मीर की एक पेंटिंग है द गर्ल विद अ वाइट पर्ल, एक ऐसी लड़की जिसने वाइट पर्ल पहना हुआ है कानों में मोती, उसको अगर आप गौर से देखें ना तो वो पर्ल बना नहीं हुआ, वो वर्मीर ने सिर्फ यूं करके ना ब्रश के साथ उसको छुआ हुआ कैनवस के साथ, दूर आके देखें तो पर्ल दिखाई देता। खालिद साहब में यही खूबी थी कि वो सिर्फ छू देते थे किसी जगह को और वो जगह वही बन जाती थी जो वो बनाना चाहते थे। जैसे नज़ीर कहा करते थे कि खालिद साहब ब्रश उठाते हैं और एक जगह यूं लगाते हैं और कहते हैं पानी हो जाए तो वो पानी हो जाता है, और वही ब्रश कहीं और लगाते हैं तो वो सूखी हुई घास हो जाती। उनके यहाँ एक मुलाजमत थी, जब भी जाते स्क्वाश का ऑर्डर दे देते, हम नॉर्थ की भी बातें करते, थोड़ी बहुत पेंटिंग्स की भी बातें करते, तो जब बाहर निकलते, अच्छा वो भी बहुत सीक्रेटिव थे, वो जो कमरा जहाँ पे मुकम्मल करते थे पेंटिंग्स वहाँ किसी को जाने नहीं देते थे, और जो अगर आप ऐसे ही वारद हो जाएं तो ऊपर कपड़ा डाल देते थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी नामुकम्मल पेंटिंग उनकी देखी जाए। तो जब उनके कमरे से बाहर जाते थे ड्राइंग रूम से, तो दरवाजे के ऊपर एक पेंटिंग लगी और मैं हमेशा ठहर कर एक सेकंड दो सेकंड उसको देखता था फिर आगे जा। एक रोज़ मुझे कहने लगे कि तार साहब इस पेंटिंग को क्या क्यों देखते हैं आप, पुरानी उनकी पेंटिंग थी उसमें रंग बहुत। तो मैंने कहा सर इसमें ये जो सरू के दरख्त हैं उनके आगे जो ढलवान सी है एकदम ये नीची होती है, तो वो जो पोर्शन है वो मुझे बड़ा पसंद है कि मतलब है कि तस्वीर में इस तरह थ्री डायमेंशन पेंट करना वो बड़ी कमाल की चीज़। तो मुलाजिम को बुलाया, कहने लगे इसको उतारो, उसको उतारा, कहने लगे ये पेंटिंग आपके लिए। अब मैं हैरान परेशान क्योंकि खालिद साहब की पेंटिंग की उन दिनों भी इतनी मांग थी कि लोग कतार बांधे खड़े रहते थे पैसे लेके। तो मैंने कहा सर मुझे क्यों ये इनायत कर रहे हैं, कहने लगे मैं आपको बताऊं कि इस हिस्से के लिए ये मैंने पूरी पेंटिंग बनाई थी और आप पहले शख्स हैं जिन्होंने इसको अप्रिशिएट किया है। तो मुझे ये फ़ख्र हासिल है कि मेरे पास उनकी 5 पेंटिंग्स हैं बहुत क्लासिक, जो उनके एक पेंटिंग तो उनकी 6 बड़ी पेंटिंग्स में आती, लेकिन मुझे फ़ख्र ये हासिल है कि वो जो पेंटिंग वो वाहिद है जो उन्होंने मुझे तोहफे के तौर पे दी। खालिद इकबाल से मैं कई मरतबा कहता कि खालिद साहब आपका ये छोटा सा बागीचा है इसमें कैक्टस हैं और फूल हैं पत्थर हैं, इनको क्यों पेंट नहीं करते। तो कहा करते थे कि जब मैं बिल्कुल लाचार और बूढ़ा हो जाऊंगा ना, जब आउटडोर नहीं जा सकूंगा, तो फिर मैं इनकी पेंटिंग्स बनाऊंगा, इनकी ड्राइंग्स बनाऊंगा और फिर आपकी भी पोर्ट्रेट बनाऊंगा। ऐसा मुमकिन ना हो सका, लेकिन ये है कि जो गिरफ्त जो सहर खालिद साहब की पेंटिंग्स में था
उसका एक मैं छोटा सा हवाला, मैं और भी बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, इतना वक्त नहीं है। खालिद साहब की पेंटिंग्स में वक्त ठहर जाता था, पेंटिंग को देखकर आप बता सकते थे कि एक कौन से वक्त की है, सुबह की है, दोपहर की है, धूप की है, छाँव की है, मतलब सावन की है, कब की है। इसके अलावा उसमें जो रोशनी थी वर्मीर की तरह, वो बड़ा मेजर पार्ट प्ले करती थी, और आप उस रोशनी से भी अंदाज़ा लगा सकते थे कि ये वक्त कौन सा है। मसलन मैंने उनकी एक पेंटिंग देखी, मैं गया अक्सर, मेरी बेगम भी जाती थी मेरे साथ, तो उसमें एक ईंटों का भट्टा था और शफक की रोशनी थी, शफक यानी दिखाई तो नहीं गई लेकिन शाम ढल रही तो शाम ढल रही है तो वो शफक की सुर्खी उन सुर्ख ईंटों पर ठहरी। आप अगर उस पेंटिंग का इतना सा हिस्सा किसी को भी दिखा दें और कहें कि ये कौन सा वक्त है, तो वो बताएगा कि ये सूरज डूब रहा है। ये कमाल सिर्फ उनमें था, और मैं उस पेंटिंग को हासिल करना चाहता था तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मैं आपको नहीं दूंगा। मैंने कहा वजह क्या है? कहने लगे मैं, मुझे पता है आपके पास ऑलरेडी मेरी 5 तस्वीरें हैं, अब आपके अंदर एक कलेक्टर्स मेनिया जो है वो बेदार, आपकी तस्वीरों की अप्रिशिएशन ख़त्म हो गई है, आप कलेक्ट करना चाहते हैं और ये मैं नहीं चाहता। तो ये थे खालिद इकबाल। कारवांसराय देखने वाले बहुत से दोस्तों ने कहा है कि आप मुसव्वरी की बात करते हैं तो मुसव्वरी के बारे में कुछ किताबों का तज़किरा कीजिए। मेरे पास जितनी किताबें थी वो मैं उठा लाया, यानी जितनी उठा सकता था तफसील बाद में सही। ये खालिद इकबाल साहब के बारे में है, और डॉक्टर क्या नाम है इनका, मुनव्वर अहमद ने लिखी है द मार्वल दैट इज़ खालिद इकबाल। अगर आप खालिद इकबाल को जानना चाहते हैं तो ये किताब मस्ट है, इसमें उनकी तमाम तस्वीरें, उनकी पेंटिंग्स की तफसील है, उनके आर्ट के बारे में गुफ्तगू की गई है। ये सईद अख्तर के स्केचेस के हवाले से किताब है, सिर्फ स्केचेस हैं, उनकी 3-4 और किताबें पेंटिंग्स और पोर्ट्रेट्स के हवाले से हैं, और वो बाज़ार में मयसर। आप अगर इंटरेस्टेड हैं, और क्यों नहीं इंटरेस्टेड होंगे, अगर आप इंटरेस्टेड हैं आर्ट में तो सईद अख्तर में भी होंगे, जो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े मुसव्विर हैं। इसी तरह मैंने तज़किरा किया नज़ीर अहमद का, कि उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके जहाँ की हैंडीक्राफ्ट मशहूर हैं उनके बारे में किताबें तरतीब दी, ये चोलिस्तान के बारे में। ये सिर्फ मैं एक रेफरेंस के तौर पे लेके आया हूँ। और इसके बाद मैं अकरवा परवरी की एक मिसाल भी कायम करना चाहता हूँ। ये किताब है, इसका नाम है ऑल दैट इज़ आर्ट, ये सलजूक मुस्तनसर ताहिर की लिखी गई है और खासी मकबूल हुई है, इस लिहाज से कि मेरी पहली किताब भी मकबूल हुई थी और सलजूक की किताब को भी पज़ीराई हासिल हुई है। यानी ये जो खुशनसीबी है ये फैमिली में सफ़र कर रही है। और बशीर मिर्ज़ा जिनका मैंने तज़किरा किया, उनके बारे में इसका नाम ही बशीर मिर्ज़ा है, इसमें उनकी पेंटिंग्स है ज़ाहिर है। मार्जरी हुसैन जो बहुत फेमस क्रिटिक है, उन्होंने इसका दिबाचा लिखा है, और फॉर एम एच तारर बशीर मिर्ज़ा के दस्तखत हैं 94 के। और आखिरी किताब जो है वो है ओरहान पामुक की, और इसका बुनियादी जो कॉन्सेप्ट है नोबेल प्राइज़ विनर फॉर लिटरेचर, वो मिनिएचर पेंटिंग, और इसी में उन अंधे मुसव्वरों का बयान है कि जो पूरी उम्र झुके रहे मिनिएचर पेंटिंग करते हुए और फिर नाबीना हो गए। ताज साहब, हम आपके सब्र और तहम्मुल के कायल हो गए हैं। अल्लाह मियाँ भी साबरीन के साथ है, हम भी आपके साथ हैं। अब हुक्म कीजिए कि ये हकीर पुरतकसीर फ़कीर आपके लिए क्या कर सकता है। आप देखें ना, ये जो उंगलियां हैं ये भी टेढ़ी हो गई हैं खत्तातियां करते करते। गौर कीजिए कि इससे अल्लाह का लफ्ज़ भी बनता है। ये कौन थे?